हेलो एंड वेलकम टू जावाटी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रिगर इन एसक्यूएल। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है ट्रिगर टफ है, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अगले आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरव्यू क्रैक करने के लायक जरूर बना दूंगा कि ट्रिगर होता क्या है, और रन करा के भी दिखाऊंगा कि ट्रिगर क्या होता है, कैसे रन करता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं ट्रिगर्स क्या होता है। तो आगे बढ़ता हूं, ट्रिगर्स इन एसक्यूएल। तो डेफिनेशन कहती है ट्रिगर्स आर स्टोर्ड प्रोग्राम और प्रोसीजर। एक बने बनाए एक स्टोर्ड प्रोग्राम है, प्रोसीजर है, विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है या फायर होता है व्हेन सम इवेंट अकर। जब कोई इवेंट अकर होता है तो ट्रिगर अपने आप ही फायर हो जाता है। इवेंट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो ट्रिगर क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, गुस्सा आ गया आपको, गुस्सा आ गया क्या, गुस्सा अब या तो एक इंसान पागल है तो उसे गुस्सा आ गया। जब एक इंसान नॉर्मल इंसान है, अगर गुस्सा आया तो गुस्सा आने के पीछे कोई इवेंट हुआ होगा ना, या किसी ने कुछ गलत काम कर दिया होगा या कुछ काम खराब कर दिया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसे गुस्सा आया। तो गुस्सा आने आया कब, जब कोई इवेंट अकर हुआ। तो इवेंट अकर हुआ उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फायर हो गया और वो चिल्लाने लग गया ना, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। तो लोग बोलते हैं ना इतना ट्रिगर क्यों कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। इवेंट क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, डीएमएल इवेंट हो सकता है, अगर मान लो कोई डिलीट ऑपरेशन हुआ हो, कोई इंसर्ट ऑपरेशन हुआ हो, कोई अपडेट ऑपरेशन हुआ हो तब भी ट्रिगर फायर हो सकता है। कोई डीडीएल ऑपरेशन हुआ हो, जैसे क्रिएट हुआ हो, ऑल्टर हुआ हो, ड्रॉप हुआ हो तब भी ट्रिगर फायर हो सकता है। कोई डेटाबेस ऑपरेशन हुआ हो, लॉग ऑन हुआ हो, लॉग ऑफ हुआ हो, स्टार्टअप हुआ हो, शटडाउन हुआ हो, इस प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो भी ट्रिगर क्या हो सकता है, फायर हो सकता है। तो ट्रिगर कैन बी डिफाइंड ऑन अ टेबल, व्यू, स्कीमा और डेटाबेस। तो ट्रिगर इन सब पे ही डिफाइन किया जा सकता है, विद विच द इवेंट इज एसोसिएटेड। इन में से जिनके साथ भी इवेंट एसोसिएट है उसके साथ ट्रिगर बनाया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर के बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला, ट्रिगर कैन बी रिटन फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। कुछ एक पर्पस है जिसके लिए ट्रिगर लिखा जाता है। पहला, गेन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी। सबसे पहला तो सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, इसी को बोलते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या, कि आपने पढ़ा होगा अगर आपने, कि आप चाइल्ड टेबल में वैल्यू तब तक नहीं डाल सकते अगर मास्टर टेबल में वैल्यू पड़ी नहीं है। तो मतलब एक कंस्ट्रेंट है, आप वो काम नहीं कर सकते, तो उसको भी आप ट्रिगर से कर सकते हैं। इवेंट लॉकिंग, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ टेबल एक्सेस ना, इवेंट लॉक किया टेबल को कब किसने एक्सेस किया, तो वो हो सकता है। ऑडिटिंग, ऑडिट करने के लिए। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन ऑफ टेबल, टेबल हम क्रिएट करते जाए, कोई टेबल को छेड़ता जाए, कुछ होता जाए तो हम एक दूसरा टेबल क्रिएट करते जाए। प्रिवेंटिंग इनवैलिड ट्रांजेक्शन, कोई इनवैलिड ट्रांजेक्शन ना हो। अच्छा, अब आती बात सिंटेक्स ऑफ ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं। किसी भी ट्रिगर का सिंटेक्स क्या होता है, तो ये देखो, सबसे पहला हम लिखते हैं क्रिएट या रिप्लेस ट्रिगर। हम लिखते हैं क्रिएट, मतलब अगर हमें नया ट्रिगर बनाना है तो हम लिखेंगे क्रिएट, या अगर किसी बने बनाए ट्रिगर को रिप्लेस करना है तो लिखेंगे रिप्लेस, फिर लिखेंगे ट्रिगर, ट्रिगर लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर का नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एक्स वाई, हेलो, हाय, राहुल, विजय, कुछ भी। फिर उसके बाद आप लगाएंगे कि ट्रिगर आपको कब लगाना है, बिफोर लगाना है या आफ्टर लगाना है, ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद। ओके, फिर यहाँ के ऑपरेशन क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, इंसर्ट भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। ऑन किस टेबल पे लगाना है, तो यहाँ पे टेबल का नाम देना पड़ेगा। किस लिए, हर रो के लिए। तो दो तरीके के ट्रिगर होते हैं, रो लेवल और टेबल लेवल। तो अभी हम लोग रो लेवल पर रहे, फॉर ईच रो, मतलब हर रो के लिए। फिर हम लोग डिक्लेरेशन सेक्शन में आएंगे। डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करेंगे, एक कोई भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दे देंगे। उसके बाद बिगिन सेक्शन में आएंगे, डिक्लेयर होता है ना, आप डिक्लेयर नहीं करते इंट ए, इंट बी, तो डिक्लेयर सेक्शन हो गया अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें। फिर बिगिन स्टेट, बिगिन में आएंगे। अब बिगिन में क्या, कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखेंगे, करना काम क्या है, और काम खत्म हो जाते हुए आप एंड कर देंगे। तो एक एक चीज को समझ लेते हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना या रिप्लेस करना किसी एग्जिस्टिंग ट्रिगर को विद ट्रिगर नेम। अच्छा, बिफोर आफ्टर का क्या है, दिस स्पेसिफाइज व्हेन द ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड, बिफोर या आफ्टर, ये हमें बताएगा कि ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होना है, मैं ऑलरेडी समझा चुका आपको। फिर ये ऑपरेशन हो गया, ये सब क्या है, डीएमएल ऑपरेशन। फिर क्या है, ऑन टेबल नेम, किस टेबल के ऊपर लगना है, दिस स्पेसिफाइज द नेम ऑफ टेबल एसोसिएटेड विद ट्रिगर। फिर क्या है, फॉर ईच रो, यहां पे पढ़ लीजिए आप, दिस स्पेसिफाइज टू अ रो लेवल ट्रिगर ना, दैट इज ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच रो बीइंग अफेक्टेड, क्लियर। अदरवाइज द ट्रिगर विल एग्जीक्यूट जस्ट वंस, उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो ट्रिगर सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेगा, व्हेन एसक्यूएल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, विच इज कॉल्ड टेबल लेवल ट्रिगर। तो आज याद रखना, दो ट्रिगर पढ़ने हैं आपको, एक है रो लेवल और एक है टेबल लेवल। ओके, अब आओ एग्जांपल ऑफ ट्रिगर देखते हैं। तो हमने जो पीछे सिंटेक्स देखा उसी का एग्जांपल, ये जो पीछे सिंटेक्स देखा था ना, ये जो सिंटेक्स देखा था इसका एग्जांपल देख लो, ठीक है। एग्जांपल ऑफ ट्रिगर, सबसे पहले अगर मान लो हमने लिखा क्रिएट ट्रिगर सैलरी डिफरेंस, तो हम एक सैलरी डिफरेंस नाम का ट्रिगर बनाने जा रहे हैं।
उसमें हमने लिखा बिफोर। अब हमें कौन सा किस इवेंट पे कराना है, बिफोर पे कराना है, और कौन कौन से इवेंट है, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट पे कराना है, या इंसर्ट हो या डिलीट हो या अपडेट, तीनों पे कराना है, कुछ भी हो तब, और किस टेबल पे कराना है, टेबल का नाम एम टेबल पे, और ईच रो ये लगाना पड़ेगा, रो लेवल। फिर डिक्लेयर एक स्टेटमेंट किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, सैलरी डिफरेंस नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। उसके बाद बिगिन में गए, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले मैंने सैलरी डिफरेंस निकाला। सैलरी डिफरेंस क्या होता है, न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी। भाई पहले मुझे 50 मिलती थी, अब मुझे 60 मिलती है, तो सैलरी डिफरेंस क्या हो गया, 10,000 रुपए हो गया। तो ये देखो ये क्या होता है, ये सूडो रिकॉर्ड होता है न्यू। तो सूडो रिकॉर्ड को हमेशा कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोलन कोलन न्यू डॉट सैलरी, मतलब नई सैलरी क्या है 60,000, कोलन ओल्ड सैलरी क्या थी मेरी 50,000, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ गया 10,000, वो कहां आ गया सैलरी डिफरेंस। और हमेशा याद रखना इक्वल टू को भी कोलन के साथ लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर डीबीएमएस में अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है, जैसे सी लैंग्वेज में अगर हमें कुछ प्रिंट कराना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, प्रिंट एफ। अगर हमें पाइथन में कुछ प्रिंट कराना है तो हम लिखते थे प्रिंट। अगर हमें जावा में कुछ प्रिंट कराना होता था तो हम लिखते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है। इसी तरीके से अगर हमें डीबीएमएस में स्क्रीन में कुछ प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और उसके बाद सिंगल कोट्स में जो देंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा पाइप के साथ। फिर अब क्या देंगे, ओल्ड डॉट सैलरी, तो ओल्ड सैलरी जो भी मेरी ओल्ड सैलरी होगी, मान लो 50,000 थी, तो क्या प्रिंट करेगा 50,000। अब फिर वही चीज, सेम चीज, अब बताने की जरूरत नहीं है, न्यू सैलरी प्रिंट करेगा, अब जो मेरी नई सैलरी होगी 60,000 वो प्रिंट कर देगा। यहां पे क्या प्रिंट करेगा, सैलरी डिफरेंस, और सैलरी डिफरेंस में क्या निकालेगा, क्या प्रिंट करेगा, सैलरी डिफरेंस, और वो सैलरी डिफरेंस हमने कहां बनाया है, यहां बनाया है, इस जगह सैलरी डिफरेंस बनाया, और कैसे निकाला, ऐसे निकाला, तो वो यहां से उठा के यहां पे पेस्ट कर देगा, और बाद में एंड आ गया, खत्म। तो अब ये हो गया आपका ट्रिगर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं स्क्रीन को, और हम चलते हैं अपने सीधे एसक्यूएल के ऊपर। अब आओ एसक्यूएल पे, तो एसक्यूएल पे अब हमें ट्रिगर बनाना है, तो पहले टेबल होना चाहिए जिसके ऊपर ट्रिगर बनाना है। तो हाँ टेबल है मेरे पास, मैंने लिखा एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम फ्रॉम ई एम पी, एक टेबल है मेरे पास इम्प, जो मैंने आपको दिखाया था इम्प, इसको मैं ऑर्डर कर लू, इम्प ऑर्डर बाय, ओ आर डी ई आर ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय तो आपको पता ही होगा ई आई डी, तो मतलब एम्प्लॉय आईडी से ऑर्डर बाय, तो अभी एकदम साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिख रहा है, क्योंकि हमने इसके ऑर्डरिंग कैसे कर ली, एम्प्लॉय आईडी से कर ली। चलो अच्छा हो गया। अब मैं इस पर ट्रिगर बनाना चाहता हूं, और क्या ट्रिगर बनाना चाहता हूं, डिफरेंस वाला, सैलरी डिफरेंस वाला। तो कैसे बनाएंगे, हमने बनाया हुआ ऑलरेडी, हम टाइम नहीं लगाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ, इसको यहां से करेंगे कॉपी कंट्रोल सी और यहां पे कर देंगे पेस्ट, ये कर दिया पेस्ट, और ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब रन कैसे कराते हैं, देखो स्लैश से, स्लैश करेंगे उसके बाद एंटर दबाएंगे, देखो ट्रिगर क्रिएट। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब इम्प टेबल पे मेरा ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब ट्रिगर क्रिएट हुआ है तो किसके लिए हुआ है, इंसर्ट के लिए भी हुआ है, डिलीट के लिए भी हुआ है, अपडेट के लिए भी हुआ है। तो अब चलो अगर मैं कुछ इंसर्ट करूं तो ऊपर वाले टेबल में यहां लास्ट देखो 6 गरिमा तक था, अगर मैं चलो कुछ इंसर्ट करूं 7 राहुल इंसर्ट करता हूं, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू ईएमपी वीएलयूईएस 7, नया एम्प्लॉय 7 आ रहा है और उसका नाम क्या है राहुल, आर ए एच यू एल, ओके, एंड हिज सैलरी इज मान लो 34,000, ओके, और ये मैंने इसको बंद किया। तो अब देखो क्लियर, ट्रिगर क्रिएट हो गया, इंसर्ट भी हो गया, ट्रिगर क्रिएट तो हो गया, तो इंसर्ट हमने किया तो क्या आया ओल्ड सैलरी, ऑब्वियस है नया बंदा आ रहा है ना, तो ओल्ड सैलरी कुछ भी नहीं होगी, न्यू सैलरी क्या होगी उसकी 34,000, और सैलरी डिफरेंस क्या होगा, जब ओल्ड सैलरी नहीं है तो न्यू सैलरी से घटा के फायदा ही क्या होगा, क्योंकि न्यू ओल्ड सैलरी तो हमें पता ही नहीं है, और जब डीबीएमएस में नहीं पता होता उसका मतलब होता है नल, और नल में से आप कुछ घटाओगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो भी एक अननोन वैल्यू है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो 34 आएगा, नहीं वो उसका वो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे ना होने का मतलब नल होता है। चलो अब चलो कुछ डिलीट करके देखते हैं, तो चलो हम राहुल को ही डिलीट करते हैं जिसको हमने इंसर्ट किया था, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम फ्रॉम ई एम पी वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर ई आई डी इज इक्वल टू व्हाट 7, ये राहुल आया था ना, इसी को हम डिलीट कर दे रहे हैं, तो राहुल को भी हम डिलीट कर दे रहे हैं, तो क्या आया वन रो क्या आया वन रो डिलीटेड। अच्छा उससे पहले क्या हो गया, बिफोर हो क्या गया, ओल्ड सैलरी कितनी थी राहुल की 34,000, देखा अभी आपने, जो उसकी अभी न्यू सैलरी थी इंसर्ट होने पे, अब वो ओल्ड हो गई क्योंकि वो जा रहा है, उसके बारे में मुझे पता है न्यू सैलरी क्या है, वो तो चला गया, अब न्यू सैलरी क्या, और सैलरी डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सपोज करो, अब मैं पहले आपको टेबल दिखाता हूं, सेलेक्ट पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूं,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम, ये मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, ये मेरा टेबल है। अब मैं अपडेट करना हूँ, अपडेट में आपको सब कुछ समझ में आएगा। सपोज करो मैं जॉन की सैलरी को, जॉन ये जॉन है, इसकी सैलरी को 30,000 से 35,000 करना चाहता हूं, तो क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा अपडेट, अपडेट क्या लिखूंगा, अपडेट ईएमपी, अपडेट ईएमपी सेट, SALAR भाई सैलरी इक्वल टू व्हाट, 35,000, 35,000 वेयर ईआईडी इज इक्वल टू व्हाट, ईआईडी इज इक्वल टू व्हाट। तो अब देखा आपने ओल्ड सैलरी कितनी होगी 30,000, न्यू सैलरी कितनी होगी 35,000 और सैलरी डिफरेंस क्या आ गया 5,000। सो ये था आपका ट्रिगर, ओके। सो दिस वाज अ ट्रिगर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ओके okay, और हम यहां तक मैंने हमने आपको दिखा दिया था, ये हो गया था, ओके okay? तो इतना ही हमें पढ़ना था, एग्जांपल हमने देख लिया था, ये एग्जांपल हमने बना के देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, थैंक यू सो